नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए वीडियोज़ बनाता हूं, तो उसी में एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो आप लोग कई दिनों से न्यूज में देख रहे होंगे। सच में इस चीज़ से व्यथित हूँ और मुझ जैसे सही सोच रखने वाले बहुत से लोग व्यथित होंगे। जी हाँ, एक नेता एक प्रदेश में बोलता है कि अगर मेरा हिस्ट्री पता है तो तुम्हें पता होगा कि मैं वो हूँ जो चाहूँ तो तुम इस इलाके में नहीं रह सकते हो। ये भाषा किसकी होती है? ये भाषा किसी नेता की होनी चाहिए? पहले तो ये सोचिए आप, ये भाषा किसी नेता की होनी चाहिए कि इस एरिया में अगर मैं चाहूँगा तो तुम रहोगे और मैं चाहूँ तो तुम इस एरिया में नहीं रह सकते हो। ऐसा भी हिंदुस्तान 1,30,00,00,000 की आबादी अगर मानते हैं तो हर एक इंसान का है, और कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी इंसान को जो यहाँ का नागरिक है कहीं से निकाल नहीं सकता है। तो एक नेता होने के नाते आपको लोगों ने वोट दिया, आप चुनकर आए हैं, एक सांसद बने हैं, इतनी अच्छी पोजिशन पर, तो कुछ ना कुछ काबिलियत तो आप में होगी, इससे तो हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद आप में यह अहंकार आ जाता है या पहले से आप में इतना अहंकार होता कि आप ये बोलते हैं कि इस क्षेत्र में मेरी मर्ज़ी के बिना आप रह भी नहीं सकते हैं, मैं चाहूँ तो आपको यहाँ से निकाल फेंकूँगा। तो इसमें जो किसान 1 साल से 12 महीने से 365 दिन से लगभग अपने घर से बाहर हैं, वो क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा इस तरीके की भाषा हमसे बोली जा रही है? और उन्होंने प्रदर्शन किया, उच्च प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ जांच का विषय है, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से जो भी सुना जा रहा है बहुत गलत। लगभग 5 किसानों की हत्या, साथ में पत्रकार की मौत, और इसमें कार्यकर्ता भी मारे गए बोल रहे हैं। कुल मिला के मर कौन रहा है? इंसान ही मर रहा है ना, इंसान ही तो मर रहा है। ये इगोस्टिक इतना अहंकार किसको आ गया है, क्यों आ गया नेताओं को इतना? और उसका फिर रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन क्या देखने को मिल रहा है? मौतें किसकी हो रही हैं? इंसान की। थोड़ा बहुत भी दर्द नहीं होता दिल में कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इंसान की मौत पर भी फिर एक तरफ के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किया, दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किया। अरे भाई साहब, किसी ने भी किया है, हुई तो मौत है, मरा तो इंसान है, कब समझोगे? संभल जाओ, कलयुग है पर इसको इतना घोर कलयुग मत बनाओ, इसी कलयुग को वापस सतयुग में लाना है। किसी की मौत में आंसू तो बहाओ, थोड़ा कुछ शब्द तो बोलो। इस देश में इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े सांसद हैं, किसी ने 2 शब्द बोले हैं उनके लिए जो मरे हैं किसान, या जो मरे हैं पत्रकार, या जो मरे हैं कार्यकर्ता? मुआवजा दे दिया, पैसे से ज़िंदगी वापस ला सकते हैं उन किसानों की? उनका भी परिवार होगा, हर चीज़ को पैसों में तोलते हैं। ये घटना आखिर हुई क्यों, इसके पीछे के जो मेन कारण है उसका जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मुश्किल से 4 या 5 दिन पहले मैं एक वक्तव्य लेके आया था कि मनीष गुप्ता नाम के इंसान की गोरखपुर में पुलिस वालों ने मारकर हत्या कर दी, ये खबरें आ रही है, जो कि कानपुर का रहने वाला था, उसका कोई कसूर नहीं था, वो बेचारा मारा गया 2 दिन पहले। अब ये घटना और घट गई, घटना क्या बोलेंगे इसको? ये आपस के जो ईगो आदमी में बढ़ रहा है उसी का नतीजा है। हमें यहाँ के राजा, हमें बादशाह, हमारा है हिंदुस्तान और किसी का नहीं है। मरे कौन? गरीब लोग ही मरे होंगे, जो मरे होंगे लिख के लो, 4, 5, 6, 7, 8 इंसान डायरी में नोट करते रहना, इसी तरीके से मौतें होती रहेंगी अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरे और ऐसे ही करते रहे तो। भगवान करे जो मरे हैं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति मिले, और जो बेअकल लोग हैं, जो हिंसा पर विश्वास करते हैं, उनको अकल आए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं और गंदे शब्द बुरे शब्द ना बोलें। इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बात थोड़ी बहुत भी ठीक लगी तो शेयर कीजिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।